किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो, वेलकम टू सानो स्टडी 1998। आप लोगों को आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पर स्वागत है। चलिए मैं बात करूँ, आप सभी को पता है कि 7 JPSC का एग्ज़ाम हो चुका है, 5 सितंबर को एग्ज़ाम होना था जो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे अड़चने भी आई बट एग्ज़ाम फाइनली हो गया। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कटअप के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर डाउट भी था, 2-3 क्वेश्चन को लेकर उसके बारे में बात करूँगा। जो लोग पढ़ाना चाहते हैं वो टीचमेंट ऐप बहुत अच्छा ऐप है, आप उसको पढ़ा सकते हैं दोस्तों उस ऐप से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो। मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम लेवल के बारे में, इसका जो एग्ज़ाम था वो कैसा गया। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ, जो फर्स्ट पेपर था दोस्तों वो पेपर मोडेड पेपर था। आप सभी को पता है थोड़ा ऑप्शन क्लोज में था, इसलिए थोड़ा सी कन्फ्यूज़न हुई, बट क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मोडेड ही रहा। लेकिन वहीं पर बात करें सेकेंड पेपर के बारे में, बहुत सारे लोग फर्स्ट पेपर देने के बाद लग रहा था कि इजिली स्कोर 130 प्लस कर जाएंगे, बट जो सेकेंड पेपर का जो क्वेश्चन था दोस्तों, खासकर उनमें जो डेटा दिया हुआ था, जो खासकर डेटा हुआ दिया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग डेटा था। कोई भी किताब जो स्पेशली झारखंड के लिए पढ़ा जाता है उसमें ये सब सारे क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उसमें से। अब क्वेश्चन का अनुमान इस बात से ही लग गया होगा कि एग्ज़ाम कम्प्लीट होने के 2-2 दिन के बाद भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका सॉल्यूशन कंफर्म नहीं दे पा रहे थे कि उसका सॉल्यूशन यही होगा। इसलिए उस हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ है वो तो कम नहीं चाहिए, बट उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गए थे वो 103 नंबर गए थे रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो उसके बाद जो थी शुरू में OBC की कट ऑफ हाई चली गई थी, जिसके कारण थोड़ी सी प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण से फिर OBC की भी कैटेगरी और जनरल की कैटेगरी दोनों इक्वल कर दी गई दोस्तों, जो कि होना लाजमी था क्योंकि इंडिविजुअल कैटेगरी से ज़्यादा किसी की कैसे जा सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक चीज़ गलती कर दी थी गवर्नमेंट ने, उसमें लिखा था कि जो 40% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्ज़ाम में। लेकिन तो 40% जिनका भी एग्ज़ाम था, 200 क्वेश्चन था, जिन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए थे वो क्वालिफाई कर गए थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ 15 गुना लिया जाएगा, इसलिए लिया गया है कि मिनिमम 40% आपका जो है मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए, इससे नीचे तो कटअप जाएगी नहीं, क्योंकि अगर एक ही लड़का मात्र क्वालिफाई करता है तो भी इतना ही कटअप रहने वाली है। चलिए मैं बात करूँ डिप्टी कलेक्टर के बारे में, पोस्ट के बारे में, जो टोटल 252 पोस्ट हैं, इसमें से डिप्टी कलेक्टर की 44, पुलिस सब इंस्पेक्टर की 40, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 16, जेल सुपरिटेंडेंट की 2, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए 65, झारखंड एजुकेशन सर्विस के लिए 41, जूनियर रजिस्ट्रार के लिए 10, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 6, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 2, प्लानिंग ऑफिसर के लिए 9 और प्रोबेशन ऑफिसर के लिए 17 दिया गया है दोस्तों। मैं आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा वो 252 से 15 गुना लोगों को ये मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी भी, जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें मैं बता दूं। अब मैं बात करूं कटअप के बारे में लिख के, तो मैं कटअप के लिए क्लियर कर दूं, जिस क्वेश्चन में आप आती है उस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कर दो। उसके अलावा मैं आपको कटअप बता रहा हूं दोस्तों, यहां पे आपका जो कटअप जाने वाला, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपका स्कोर 120 प्लस आ रहा है तब सेफ हो। बहुत सारे लोग तो कटअप आपका शौक से भी नीचे बताएं, कुछ लोग 135 तक कटअप बता दिए, इतना नहीं जाएगा दोस्तों, इतना भी नहीं रहेगा जनरल की कटअप। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन टफ आया था, मैं ये बात मान सकता हूँ, बट वैकेंसीज बहुत कम है। 6 आपके बहुत सारे दिनों से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 3 JPSC का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ था, बहुत सारे लोग सालों से मेहनत कर रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए कटअप जाएगी ही जाएगी। अगर वैकेंसी यही 500-450 करीब रहती तो कटअप 105 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम था रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूँ OBC के लोग की, तो अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो अगर आपका स्कोर 118 से लेके 120 के बीच बन रहा है तो आप सेफ हो, आप MNC के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात कर लूँ अब AC कैटेगरी के बारे में, अगर आप AC कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों तो आपका जो कटअप है वो आपका 110 से लेके 115 के बीच आना चाहिए, तब आप सेफ माने जाओगे AC कैटेगरी में। वहीं मैं बात कर लूँ अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो स्कोर है वो 108 से लेके 110 के बीच में, अगर आपका लाइक कर रहा है स्कोर, अगर आपका 2-3 नंबर आगे पीछे, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे, तो प्री
क्वालिफाई करने के लिए बॉर्डर लाइन पे हूँ। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी जो और भी न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं इस JPSC में, क्योंकि पिछले और भी तो इंट्रोड्यूस बहुत पहले हो चुका है ये, बट अदर स्टेट में, बट आपको पता है झारखंड में वैकेंसी पंचवर्षीय योजना वाली रहते हैं यहाँ पे, तो पहली बार EWS कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आपका स्कोर 117 से लेकर 121 के बीच में लाइक कर रहा है तो आप सेफ हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वहीं मैं बात करूँगा रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट जो है दोस्तों आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा नवंबर के मिड में, आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है अगर सब कुछ सही रहा तो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। थैंक यू सो मच।